डीजीपी के निर्देश पर मंगलवार को गिरिडीह पुलिस ने भी जिले में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया। नगर भवन में आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत हजारीबाग डीआईजी सुनील भास्कर, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत यशवंत, डीएलएसए सचिव सोनम विश्नोई, एसडीपीओ विनोद रमानी और डीएसपी अंकिता राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में डीआईजी और एसपी समेत सभी अधिकारी लोगों की परेशानियों और शिकायतें दूर करने के लिए मौजूद थे, लेकिन ज़्यादातर मामले सिर्फ जमीन विवाद से जुड़े हुए सामने आए। कुछ एक मामले घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ था। कार्यक्रम के दौरान एक के बाद एक आ रहे जमीन विवाद से जुड़े मामले में डीआईजी ने संबंधित थानेदारों को पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआईजी सुनील भास्कर ने कहा कि लोगों की समस्याओं को दूर करने के पुलिस विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। कार्यक्रम को एसपी डॉक्टर विमल कुमार, डीएलएसए के सचिव सोनम बिश्नोई ने भी संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। उसमें हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। अनुमंडलवार भी गिरिडीह जिला में इस तरह के कार्यक्रम जो हैं आयोजित हो रही हैं और वहाँ जो तीन चार थाना क्षेत्र के लोग हैं वहाँ एकत्रित हो रहे हैं और ऑन द स्पॉट उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, निराकरण किया जाएगा। जितने लोग आए हैं अभी ये कार्यक्रम शुरुआत हुई है तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, एक रजिस्टर बनाया गया है और उनका नाम पता उनकी क्या समस्याएं हैं वो उसमें लिखी जाएंगी। किस अधिकारी को वो समस्या दिया गया है निदान करने के लिए उसका भी नाम लिखा जाएगा और ये डॉक्यूमेंटेशन होने से एक फ़ायदा होगा कि वरीय अधिकारी हैं, डीएसपी साहब हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, वो उसको चेक कर सकते हैं कि एक सप्ताह पहले के ये समस्या आई है। इसका क्या कार्य है? जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विषय में मैं आपको दो लाइन बताना चाहूंगी कि एक आम जनता और न्यायालय के बीच की जो दूरी है उसको कम करने के लिए बनाई गई है। एक गरीब आदमी जो कि न्याय, जिसको ये तो जानकारी है कि हाँ उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे ये पता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो उसके पास पैसे नहीं है कि वो एडवोकेट्स के जो एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर कर सके। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है लेकिन उसको जानकारी नहीं है कि मेरे प्रति या कानून में क्या क्या अधिकार है, ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए संस्था को बनाया गया है। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं हम लोग सीधे रूप में उसको लेंगे और उसका तत्काल अगर जो समाधान है वो भी किया जाएगा और साथ ही साथ उसमें जितना दिन लगने की संभावना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि इसमें कितने दिन लगने की संभावना है और आपको उसके बारे में बताया भी जाएगा कि क्या समाधान हुआ और उससे आप संतुष्ट रहेंगे, वो फीडबैक भी हम लोग लेंगे। ये जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और पुलिस महानिदेशक डीजीपी सर का ये विशेष कार्यक्रम है जो उनकी सोच है। हम लोग ये चाहते हैं कि उनके सोच के आलोक में जनता को परेशान नहीं होना पड़े। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक अल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक अल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए अल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, पर्सीलिन, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक अल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड सीओडी गिरिडीह।